नमस्कार, एक्सोटिक प्रेमिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कलई किचन सीरीज एपिसोड 5 कलई से कल्याण तक में हमारे साथ है वेल नोन इंटीरियर डिजाइनर प्रीति सिंगानिया जी, जो योरवे इंटीरियर की फाउंडर एंड डायरेक्टर है। प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। कलई किचन सीरीज के अभी तक की 4 एपिसोड है, हमें बहुत सारी जानकारी सभी महिलाओं को दी है जो किचन के रिलेटेड है, और किचन में जो भी वुमन काम करती है उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है। और कलई किचन का जो कंसेप्ट है वो है हेल्दी किचन को, आप हेल्थ मतलब रखिए कि हेल्दी रखिए किचन को और अपने आप को भी हेल्दी रखिए, ये इस सीरीज का महत्वपूर्ण भाग है। तो प्रीति जी, जो आज हमारा ये एपिसोड 5 है, हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने काफी सारे प्रश्नों पे चर्चा की है, डिस्कशन किया है, तो आज अभी ये 5वें एपिसोड में मेरा आपको क्वेश्चन है कि आजकल कॉमन बीमारी हो रही है सबको, महिलाओं को ज्यादातर हो रही है, किचन के अंदर काम करती है। तो पहले के जमाने में वो चीज नहीं होती थी, जितने भी घंटे महिला काम करती है किचन में, पर उसको कभी इतनी बीमारियां नहीं हो रही थी। तो आजकल जो बीमारियां हो रही है, जैसे कि वेरिकोस वेन, ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल पेन, तो क्या ये किचन से किचन के साथ और किचन से रिलेटेड है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स। पहले के जमाने में एक्चुअली क्या होता था कि अपने को बैठने का टाइम मिल जाता था, तो अपने ना अपने बैठ के काम करते थे तो उनको रेस्ट मिल जाता था, जब वो खड़े होकर परोसती थी वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाती थी, तो हर एक चीज अपनी बैलेंस हो जाती थी। अभी आप देख रहे होंगे स्टैंडिंग किचन में हर टाइम है ना लेडीज खड़ी रहती है, बनाना है, सर्विंग करना है, बाहर ले जाके देना है, करना है, शॉपिंग करनी है, तो हर एक चीज में वो है ना स्टैंडिंग पोजिशन में रहती है। और पहले मैं हर टाइम पे जैसे आटा पीसती थी, फिर कपड़े धोती थी, और फिर बाद में बर्तन मांजती थी, और सब भी जो भी चीज होती थी अपने है ना सिटिंग एंड स्टैंडिंग, यानी उठ बैठ होता रहता था। अब यहाँ पे अपने को खाली स्टैंडिंग के साथ, अभी परोसने भी, अब डाइनिंग भी आपका वैसे हो गया, आप खड़ा ही है, जैसे कि आपने है ना आप काम किए और फिर आप डाइनिंग की तरफ जाते हो, तो उसमें भी आपने खड़े खड़े करा, मीन्स आपने कंटिन्यूस आपने काम किया, फिर बाद में आपने परोसने का काम भी आपने खड़े हुए किया। ऐसा नहीं कि पहले की जैसे कि अपने पास ही में ही हुआ और अपन ने परोस दिया, तो इससे है ना कई रिलेटेड चीजें हैं कि एक तो अकेली पहले जॉइंट फैमिली की वजह से, मैंने पहले आगे भी है ना एपिसोड में बोला है आपको कि जॉइंट फैमिली की वजह से है ना मैं काफी जनों के अपने काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे, और आज एक लेडीज सारे काम संभाल रही है। अब इसके अंदर अपने को क्या है, स्टैंडिंग पोजिशन में लॉन्ग कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, वो चीज आपके है ना हो जाती है, प्लस आपके ब्लड पुलिंग इन द लेग्स, वेरिकोस वेन जो बोलती है, तो उसके अंदर आपकी नसें फूल जाती है, क्योंकि एक्चुअली पंपिंग है ना ऊपर की तरफ नहीं आती ब्लड की, वो नीचे की तरफ होती है जी। तो जैसे टीचर्स हैं, फिर हाँ हम लोग जैसे है ना महिलाएं जब काम करती हैं किचन में, तो उनके जितने स्टैंडिंग पोजिशन में तो उसके आपसे होते हैं, क्योंकि आपका बैलेंसिंग इसमें नहीं है, राइट। फिर आपका इंक्रीज स्ट्रेस को भी इंक्रीज करती है, क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन के हिसाब से, जैसे कि कितने जैसे सुना है कि आफ्टर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स यू नीड अ रेस्ट, अगर आपको बैलेंस रहना है तो एक घंटे में आपको आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद अगर आप बैठने का या कोई भी चीज करते हैं तो आपकी जो साइकिल होती है वो स्टेडी हो जाती है, अगेन मीन आप एनर्जेटिक हो जाते हो, आप रेस्टिंग एक बार एक सेकेंड भले 5 मिनट का रेस्ट मिल गया तो अगेन यू आर चार्ज्ड, और आपको कंटिन्यूस आपको है ना एक ही चीज में एक ही पोजीशन में रखूंगी मैं, तो आपके है ना कहीं एनर्जी डाउन होती है, आपको है ना मेंटली भी आप है ना डिस्टर्ब होती है, लेकिन आपको एक्चुअली इफेक्ट नहीं दिखता है। आपका इफेक्ट कहाँ दिखता है कि समथिंग अगर कोई आपको बोल दिया अचानक ही कि क्या यार इतना टाइम हो गया कुछ मिला नहीं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे एक्चुअली स्ट्रेस हो रहा है और मैं फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल रही हूँ, लेकिन मुझे ये चीज आइडिया नहीं आ रही है कि मुझे स्ट्रेस हो गया है, लेग पेन हो रहा है, इसलिए मैंने उनकी छोटी सी आई कैन से एकदम काम लिया, आई कैन से दैट थिंग कि ना भाई हाँ 5 मिनट में ला रही हूँ खाना, लेकिन मैंने आधा एक घंटे से मैंने काम किया, मेरा बीच में ब्रेक नहीं मिला मुझे, एंड कंटिन्यूस वर्किंग ने मुझे मिस जवाब देने पे ऐसे, तो दैट इज द
मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई. जी फिर वी आर हैविंग द जॉइंट्स, जहाँ अपने को हिप्स में भी अपने को प्रॉब्लम, नीज में अपने को प्रॉब्लम्स आ रही हैं. जी आजकल ज्यादातर महिलाओं को नीज में प्रॉब्लम आती है. हाँ जी, टेम्पररी इम्बोलाइज्ड, जो स्टिफनेस हो जाती है. अगर आप कहीं पर भी ऐसे कंटिन्यूस ऐसे काम करते हैं, तो आपने आधा एक घंटे के बाद है ना रियलाइज कभी कभी किया होगा कि आपकी नेक स्टिफ हो जाती है. बर्तन कंटिन्यूस आप साफ करते हो तो आप ऐसे इस पोजिशन में रहते हो, तो आपकी स्टिफनेस आ जाती है. और फिर 20-40 बिलो जो हाइट रहती है, तो जो प्रेशर आपका वर्क है उसके अंदर भी आपको है ना मिस वर्क के एंगल्स आपके बदलते रहते हैं. कोई जी आपका एक दो है ना इंच आपका कम होना चाहिए, तो कटिंग के हिसाब से आपको प्रेशर अगर आटा लाटा लगाना है तो आपका एंगल चेंज हो जाता है. तो दैट्स काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो इट इज डन अवे हियर, कि आपका आपका है ना पोजिशन पोस्चर्स आपके चेंज होते हैं, और आपकी बॉडी जिस तरह से बनी हुई रहती है वो ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप खड़े हुए होंगे लेकिन आपको ज्यादा देर तक है ना खड़ा रहना होगा, तो अपने आप एक ड्रॉवर खुल जाएगा, उसके ऊपर पैर चला जाएगा. मीन्स आपको कोई ना कोई है ना सपोर्ट चाहिएगा आपके लिए. तो दिस इज द थिंग वी आर हैविंग दैट. और जैसे स्टैंड प्लांटेड एजेस होती है मैट्स की, अगर अपने को प्रिवेंट करना है तो अपन कभी है ना एक्यूप्रेशर के मैट्स के ऊपर खड़े हो गए, तो आपको थोड़ा सा उससे सहायता मिल सकती है कि आपका लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग रहता है. तो अपन एक दो चीज वैसे कर सकते हैं, तो अपने और अपने जैसे लॉन्ग टाइम के लेते होता है ओवरलोडेड अपने ना वर्क होते हैं, तो आज जब गेस्ट आए हैं तो दैट इज द थिंग. और अपने कुछ स्लाइड्स अपने देखते हैं कि अपने किस टाइप की बीमारियां अपने को होती है लॉन्ग जी टाइम में. बिल्कुल 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 जैसे दिखाइए. हाँ, जैसे कि अपने को देखा, आपने देखा होगा पैर यहाँ पे सूज रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाता है, कभी कभी पानी किसी के सूजन आ जाती है. फिर अपने है ना देखे होंगे अपने स्टैंडिंग में अपन कर रहे हैं किचन का वर्क भी, देन अगेन वी आर हैविंग द नी प्रॉब्लम. इसके अंदर आप देख सकते होंगे वेरिकोज वेन, इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन. आपने नसें देखी होगी ब्लू ब्लू कलर की हो रखी है, क्योंकि काफी टाइम तक आप काम करते हो तो ये नसें फूलने लगती है, उसका पंपिंग ब्लड ऊपर तक नहीं जाता है. देन यू कैन सी द डिफरेंट थिंग ओवर हियर, क्या अभी आपने जो पहले के तरीके थे बैठने के, आपने बैठने का पोस्चर देख रहे होंगे, तो अपन बैठ कर उनको जिमाते थे, आपका वो पोस्चर भी है ना चेंजिंग्स होते थे, तो आपको इसमें भी हेल्प मिलती थी. एक तो बोलते हैं ना जमीन से जुड़ा हुआ रहता है ना, वो चीज अपने को इफेक्ट करती है. आप एक जमीन से जुड़ के बैठते हैं, आज अपन फोल्ड करके नहीं बैठ पाते, जी आपको बिल्कुल आधे एक घंटे में आपको है ना होगा कि यार मुझे है ना ऊपर उठना है. जैसे अपना सत्संग हुआ, पंडित को जिमाना करना हुआ, तो आज अपने यहाँ पे स्पेस नहीं है, उसके अपने स्पेस ससुराई नहीं रख रखी है. आज अपन डाइनिंग हटाते हैं या कोई स्पेस बनाते हैं तो अपना इंडियन कल्चर तो नहीं आ रहा है इसमें, कहीं ना कहीं अपन वो पीछे छोड़ चुके हैं. जी एकदम सही तो बात है. हाँ, तो इसमें ये चीज है कि काफी बीमारियां हमने जो यहाँ पे स्लाइड्स पे दिखाई हैं आगे, तो इसमें आपके गर्दन की तरफ भी आ रहा है, इधर पेन है इस इमेज में आप देख सक रहे होंगे. फिर आगे अपने इधर आपके नीज में है, और भी आगे है ना मिस अपने पोस्चर्स जो भी आ रहे हैं, सिटिंग है स्टैंडिंग है, तो ये सब बैलेंसिंग होते ही अपने काम करेंगे तो अपने को है ना आगे दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा कहना है. जी तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि हर महिला को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है, और अभी की जो सिचुएशन है उससे हो रही है. तो इसमें हम आगे के एपिसोड में बताएंगे इसके मतलब इलाज कहा जाए, या तो फिर ऐसा कहा जाए कि इसके सॉल्यूशंस कि किस तरह से आप किचन में काम करेंगे तो आपको ये सारी चीजें नहीं होगी. हमने आगे के एपिसोड में दिखाया है, बताया भी है, और आगे और भी एपिसोड्स होंगे, उसमें हम आपको और भी जानकारी देंगे कि ताकि आपको ऐसी बीमारियां अगर होती है तो इससे आप कैसे बचे. तो जरूर हमारा इस ये जो सीरीज है वो जरूर देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और आगे एपिसोड के लिए. और प्रीति जी, आगे मैं आपको पूछना चाहूंगी कि अगर कम बजट में हम कैसे अपने किचन को बना सकते हैं, वो हम दर्शकों को बताइए. कम बजट में अपन जैसे कि अपन रॉयल किचन बनाते हैं, तो जी उसके अंदर आप है ना जैसे क्रॉकरी पे काफी स्पेंड करते हो अपना मनी, तो उसके अंदर आपकी जो जरूरत का होता है, जैसे कि अपना एक एक डिनर सेट है, व्हाट एवर यू आर हैविंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली दैट यू कैन डू इट. आप ओटीजी ओवन और ये सब यूज डेली नहीं करते तो यू कैन मिनिमाइज दैट थिंग ऑल्सो. आपकी जो रेगुलर यूज में जो चीजें आती है, दैट इज मिक्सी में, आई थिंक सो मिक्सी ग्राइंडर आपकी रेगुलर यूज में,
स्पेंड ऑन दैट थिंग। और बेकरीज अगर आपको एक दो चीज के लिए आपको बनाना है एक दो दिन के लिए, देन आई थिंक सो पेस्ट्रीज शॉप्स हैं, जी तो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर स्पेस एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट योर मनी ऑन दैट थिंग एज वेल एज। और इसके अंदर भी आपने जो वेसल्स हैं ओवरलोडेड, अपन ग्रेन्स भी करते हैं कि अपने कभी कभार है ना डैमनेस के अंदर सड़ के जाते हैं, लेकिन अपन है ना बसा के रखते हैं कि फॉर द वन डे या 2 डेज है ना फंक्शन, तो दैट इज नॉट फेयर। आपको यहाँ पर तो आपने अनाज बर्बाद कर दिया, कहीं पे लोग को खाना नहीं मिल रहा है, तो अगर आप अपने टाइम टू टाइम अपन करेंगे, एक के एक दिन तो आपको लाना ही पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि अपने को पूरा जीवन आपने बसा लिया, तो अपन ये चीज अपन अपने है ना मिस एक लिस्ट बना सकते हैं, इवन ही 15 डेज या 1 मंथ और 2 मंथ्स, कि 1 मंथ और 2 मंथ्स का अपन है ना कर सकते हैं इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। और अपने एक प्लेस बना सकते हैं, जैसे अपन ने एक जिम कॉर्नर बनाया है, गार्डन बनाया है, वहां पर सब पब्लिक अपना आके अपने चीज करते हैं, क्योंकि अपने हर एक फ्लैट में गार्डन पॉसिबल नहीं है और हर एक फ्लैट में जिम के इंस्ट्रूमेंट्स भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि एक चीज आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे ओवरलोडेड बड़े सारे वेसल्स जो होते हैं जो अपन स्टोर करते हैं, तो वो चीज रोज की नहीं बसा के, यू कैन हैव वन कॉर्नर इन द अपार्टमेंट और वन स्पेस इन दैट थिंग, का आप वहीं पे मेंटेन कर लिया, और आप लोग है ना जिस पूरे बिल्डिंग में से 8 फ्लैट है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक स्पेस, और उसके लिए आपने लॉकर की चाबी या कोई मेंटेन कर, तो एक तो एक गुजारा भी हो जाएगा प्लस आपकी स्पेस भी बच जाएगी, और जिसको भी जरूरत होगी वो वहां से ले सकेगा, तो सही आपका भी स्पेस भी बच गया, आपका मनी भी बच गया, क्योंकि आप एक दिन के लिए बहुत बड़े बड़े बर्तन आप है ना मिस आजकल रखते हैं, जी रखते भी और यूज भी यूज करते भी हैं। यूज भी यूज बहुत कम आते हैं। अभी मैं देखिए जैसे मैं ज्वाइंट फैमिली थी, अभी हम लोग एक एक फैमिलीज में हो गए हैं, लेकिन अभी 15 15 किलो के जो डब्बे हैं वो एज इट इज है ना पड़े हुए हैं स्टोर रूम में, और मैं 2 2 किलो के ही डब्बे है ना एक एक महीने में मैं राशन भरती हूँ और वो चेंज करती हूँ, तो दैट आई एम एबल टू मेंटेन। तो इसलिए मैं बोलती हूँ क्रॉकरी है, यूटेंसिल्स है, स्नैक्स भी आप जो खाते हैं वो चीज मेंटेन कीजिए, ऐसे नहीं कि आपको सब तरह के स्नैक्स लाना है, सब तरह के बिस्किट्स लाने हैं, मीन्स आपके जो फैमिली में 3 है 4 या 5 है उनकी जो पसंद है वो चीज आप ना रखिए। मैं अपने को क्या आदत है कि भाई चिप्स भी होने चाहिए, 10 तरह के अपने को नमकीन भी होने चाहिए, वेदर यू आर ईटिंग और नॉट। तो कभी कभी मैंने ये भी चीज की कि हाँ मैंने भी सब तरह के नमकीन सके, कि कोई गेस्ट आ गया तो कोई गेस्ट आ गया तो उस टाइम पर आप उसके लिए मंगवा सकते हैं, या फिर प्री आप कुछ है प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर मुझे ये नहीं लगता कितनी बार मुझे वो स्नैक्स फेंकने पड़ते हैं, बिकॉज मुझे अगर आदत है, जैसे मेरे बच्चे लोग का आदत है पार्ले जी एंड समथिंग खाने की, तो बिस्किट्स ही खाते हैं, अगर मैं कोई दिन डिफरेंट ले आती हूँ तो वो एज इट इज ही रहती है, तो थर्ड टाइम आई हैव टू, क्योंकि उसका भी एक्सपायर पीरियड होता है, तो बिल्कुल सब बिल्कुल चीज का एक्सपायर पीरियड होता है, तो अपन क्यों ये चीज में स्पेंड करते इतना, ये अपन को समझना पड़ेगा कि है ना अपनी जितनी जरूरत है उतना ही करो, जो अपना टेस्ट है उसके हिसाब से स्टोरेज करें। तो लाइक दिस वी हैव टू सेव अवर मनी, एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी जो आपको रेगुलर यूज में है मैं प्रीफर वो ही करूंगी, बाकी अपना शौक है इसके ऊपर कोई बाइंडेशन नहीं है, बिल्कुल बिकॉज योर स्पेस इज देयर, लेकिन जो मैं आगे की जो जनरेशन आ रही है उसके लिए दे कैन मेंटेन वेल, अगर आपका मिनिमाइज होगा चीज तो दिस इज अ थिंग यू हैव टू स्पेंड इन दिस काइंड ऑफ थिंग। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस एपिसोड के द्वारा हम मतलब कलर किचन जो सीरीज है इसमें हम यही बताना चाहते हैं कि आगे की जो जनरेशन आएगी वो क्या करेगी। अभी तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि आगे की जनरेशन क्या करेगी। एक तो एग्जाम्पल मतलब जो फिल्में आए हैं उसमें भी कई लोगों ने ऐसा बताया है कि अभी तो जो हमें यंग जो हमारे दर्शक थे उनके भी फीडबैक आए हैं, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि मैम ये सब मेंटेन करने की क्या जरूरत है, हम तो सब इंस्टेंट ही मंगवा लेते हैं, हम तो अभी तो सब है तो जो चाहिए वो तुरंत कॉल कर देते हैं तुरंत आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। यंग जनरेशन को भी ये सब बातें बतानी बहुत जरूरी होती है कि हर टाइम कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता है, जैसे कि अभी जो सिचुएशन हुई थी लॉकडाउन हुआ जो भी कोविड चल रहा है उसमें कि काफी टाइम तक ना होटल खुले थे ना कुछ था, तब सभी लोगों ने घर में ही बना के खाया, अपने किचन का ही यूज ज्यादा हुआ है। अगर ये बात मेरी सही लगे तो जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा आप, और प्रीति जी आगे चलते हैं। हमारे किचन में जो स्पेस है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। स्पेस
स्पेस मैनेजमेंट आपका रिलेटेड है कि अपने है ना किचन से रिलेटेड जो जगह होती है, जैसे डाइनिंग है, स्टोर रूम है एंड यूटिलिटी एरिया है. तो दिस इज डिवाइडेड, अपन सबके कमरे बना दिए, सबके रूम बना दिए, चार दीवारी में कर दिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहिए, अब मैं अब थोड़ा सा बैक साइड जाऊंगी, मीन्स एंशियंट टाइम्स में जाऊंगी, कि जो मेरी संस्कृति है, जो मेरा कल्चर है, उसको मैं लेकर आ रही हूँ. जो आपने एक साथ बैठ के गप्पे मारते हुए तो खाना बनना, सेकेंडली वहां खाना खा के, मीन्स जैसे बाहर से कोई मेंबर आया है तो वो भी किचन में आके ही नीचे जमीन पे बैठ के ही वो उस भोजन का स्वाद लेना. तो आपका डाइनिंग रूम कहीं पर नहीं आया, तो और स्टोर रूम भी आपका नहीं, और आपके जो है ना यूटिलिटी एरिया थी जो बाहर की तरफ रखी जाती थी, क्योंकि जो आपका है ना कपड़े धोने का है एंड जो बर्तन मांजने का जो जगह है, वो हमेशा आप बरंडे में, बीच में, या फिर आप कहीं पर दूर जाके करते थे, लेकिन आजकल के जमाने में वो पॉसिबल नहीं है. तो यूटिलिटी एरिया आपने इंक्लूड कर लिया है किचन में, लेकिन अपने जो इसमें डाइनिंग स्पेस अपने है ना मिसेस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि अपन पास में कर सकते, जैसे अपने आइलैंड किचन की तरह अभी अपन यूज कर रहे हैं, अभी जो जनरेशन यूज कर रही है जो आइलैंड किचन है ना विद द ब्रेकफास्ट टेबल ये सब बनाती है, तो मैं कह रही हूँ वो चीज को अपन इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में. जैसे जरूरी नहीं कि अपने को स्पेस अलग से इसको डिवाइड करके डाइनिंग रूम में बनाना है, तो दैट कैन बी मैनेज. अपने पुराने स्टाइल, जो अपना पिछला जो स्टाइल था, उसको टोटली अपन इसमें ला सकते हैं. और प्लस अपने है ना जो मैं बोल रही हूँ, जैसे पंडित जी लोग भी होते हैं, तो उन लोग के लिए भी जो इंडियन सिटिंग है, अपन ने सारे वेस्टर्न स्टाइल रखा है, अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से भी एक इंडियन सिटिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी आपको टेबल खसकाने की जरूरत नहीं है. और अप डाउन आपको चाहिए चाहिए, आपको बैठना है. आज अपने कोई भी अपने को मिस, अब मेरे को तो शर्म आती है कि कोई मुझे बोल देता आधी एक घंटा नीचे पालती वहां के बैठ जाए. मैं पूजा में बैठती हूँ तो कम से कम मेरे को 1.5-2 घंटे की पूजा होती है, लेकिन आधा पौन घंटे के बाद मैं बोलने लगती हूँ मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरा पैर सो गया है. यार इट्स फील शाय, ठीक है. आज अपन है ना कोई भी रिलेटेड अपन कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, आज अपनी ये हालत हो गई है, क्योंकि आप रिलेटेड नहीं हो उस चीज से. पहले की औरतें यार एक साथ है ना, मैं बच्चे भी करती थी प्लस वो सारा काम भी करती थी, कोई ना कोई तो चीज होगी जो अपनी संस्कृति एकदम गलत नहीं हो सकती, अपने संस्कार एकदम गलत नहीं हो सकते, अपने जो एंसेस्टर्स थे वो गलत नहीं हो सकते. मैं ये चाहती हूँ कि इंडियन कल्चर से सब लोग की अपनी खुद की पहचान है. मेरी दादी सास कहा करती थी कि सब चीज इंडियन जैसा, तो सब लोग ने सब चीज अपना ली, लेकिन खुद का पहनावा, खुद की संस्कृति छोड़ दी है. किसी किसी को मेरी बात बहुत बुरी लग रही है, लेकिन ये चीज है. बहुत मॉडर्न होना हो ही है, आप मॉडर्न कपड़े से होइए, दिमाग से होइए, दिमाग से तो आज भी मॉडर्न नहीं है. आज आप बोल दो ना कि आप मर्द को सिर्फ खाना बनाने के लिए बोलो, सुबह से शाम तक है ना, हमें सौरत कियन का की पिक्चर भी आई थी उसमें, लेकिन सब लोग ने इसको एंजॉय किया, लेकिन अप्लाई किसी ने 1 या 2%. ठीक है, आज भी अपने यही सीड डालते हैं अपने बच्चों में, आप मर्द हो, आप लड़के हो, ये तो औरतों का काम है. तो दिस इज नॉट फेयर. और अपनी संस्कृति बहुत अच्छी है, अपने कल्चर को अपने को सैल्यूट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं उठ बैठ का जमाना लाना ही चाहिए. आज मैंने एक है ना स्टोरी है ना मैंने उस पे डाली थी कि मिट्टी से चूल्हे से बनी हुई रोटी किसको पसंद है. मेरे पास 92 का ईयर्स आया था, 92 ईयर्स. कहाँ मिलेगी, कहाँ पे पकेगी, आप खिला रहे हो क्या. मीन्स मुझे बाजरे का रोटला पसंद है, तो मैं ये सब देख के शौक है कि यानी कि आपको आज भी मिट्टी की खुशबू तो आपको आज भी पसंद है, आप आज आज भी आप मिट्टी से रिलेटेड हो. दिस आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग एंड आई शुड क्लैप फॉर यू कि जिसने मुझे ये जवाब दिए. तो लेकिन आपका मिट्टी का चूल्हा आप एक दिन के लिए, मैं बोलूंगी ना, बसा लो, एक कॉर्नर बना लो, नो बडी नो चाहिए बडी, इंस्टेंट लुक चाहिए भाई, क्योंकि हर एक चीज मेयोनीज चाहिए. भले वो अपने को शरीर में काम अच्छे से नहीं करता, भले 40-50 के बाद अपन का शरीर खराब हो जाता है, फास्ट फूड चाहिए, सब चीज इंस्टेंट नहीं होती. आप कोई कोई दिन करिए एक दिन, मैं तो ये बोलती हूँ सारी संस्कृति सिखाना चाहिए, इवन सिगड़ी से रोटी भी सिखानी चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन आप एक दिन के लिए वो अगर ओटीजी, ओवन, माइक्रो ओवन सब चीज यूज कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एक दिन के लिए सिगड़ी भी यूज कर सकते हैं. एक महीने के अंदर अगर आप लोग को आज भी स्वाद है उस चीज का, देन यू कैन हैव अ वन कॉर्नर फॉर यू. तो दैट इज अ ग्रेट कि इंडियन कल्चर का अगर बाहर अगर चला हुआ चल जाएगा,
उस दिन अपन को अपनी कदर होगी। जैसे आज योगा चल गया है, बहुत दिनों से कोई से सोचा भी नहीं था कि योगा इतनी जल्दी से आ जाएगा कि सारे लोग है ना जिम जाना छोड़ देंगे एंड योगा है ना मिस करवाएंगे, लेकिन आज योगा आ गया है। तो आप ये सोचिए कि मैं चाह रही हूँ कि कुछ टाइम के बाद यूरोपियन नहीं, इटालियन नहीं, वी आर इंडियंस, वी आर यूजिंग इंडियन स्टाइल, वी आर यूजिंग आवर कल्चर एंड अपनी संस्कृति के साथ हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं और विदेश में अपना इंडियन कल्चर जाए। अरे दिस इज द इंडियन कल्चर किचन यार, कम एंड सिट विद अस, इसमें यहाँ पे बैठ के मजा आता है और साथ में खा के मजा आता है। तो दिस इज द इंडियन। और सिगड़ी पे रोटी कभी कभी हम भी सेकेंगे, वो ओटीजी ओवन के बदले सिगड़ी बसाएंगे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट यार, कभी कभी तो इंडियन बनो। चलिए आइए अब अपन देखते हैं कुछ पिक्चर्स इसकी। जैसे अपने देख रहे हैं यहाँ पे के काफी चीजें मीन्स काफी फैमिलीज इन्वॉल्व होके एक साथ खाना बना रही है। अपने कॉम्पैक्ट टाइप में भी यहाँ पे है ना किचन दिखाए, यूटिलिटी एरिया और ये सब के लिए अपन ने अलमारियां यहाँ पे दिखाई है। अपने कम स्पेस में अपने कैसे है ना स्पेस को बचा के अलग अलग रूम्स नहीं बनाए, हमने उसके लिए स्पेस दी है, हर एक चीज कबर्ड्स में टर्न किया है। तो दैट इज द थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर, अपने स्पेस को कम कैसे करके हमने हर एक रूम्स नहीं बनाया है। डाइनिंग का भी अपने है ना डाइनिंग टेबल एंड ऑल दिस इन्वॉल्व इन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग ने मल्टीपर्पज टाइप में देकर उससे स्पेस बचाई है। जैसे इंडियन कल्चर का और वेस्टर्न कल्चर का आई थिंक सो हमने है ना कॉम्बिनेशन करके हम स्पेस बचा सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज द स्पेस यूटिलाइजेशन। और यहाँ पे फैमिलीज जैसे वेस्टर्न में है ना एक साथ काम कर रही है तो वो चीज अडेप्ट करने वाली थी अपनी जी। तो वो चीज अपन को भी यहाँ पे अडेप्ट करनी है जी। तो किचन में स्पेस का जो मैनेजमेंट मतलब कैसे करना चाहिए उसी के बारे में प्रीति जी ने बताया। और प्रीति जी हमारे जो दर्शक ये सीरीज़ को देख रहे हैं काफ़ी दर्शकों के फीडबैक हमें मिले हैं, उसमें से हमारे दर्शक के फीडबैक हम अभी देखते हैं और सुनते हैं कि हमारे दर्शक क्या कहते हैं कले किचन सीरीज़ के लिए। हेलो, मेरा नाम सोनिया है, मैं सूरत से हूँ। मैंने कले किचन की सीरीज़ देखी है। कले किचन मुझे हुआ ये है क्या, समथिंग इज़ लाइक डिफरेंट एंड न्यू इन टाउन, तो मैं इसकी डीप में गई। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली कले किचन। तो उसमें मुझे होस्ट ने एक बात कही थी कि रसोई और किचन में क्या डिफरेंस है। तो रसोई यानी जिसमें रस होता है खाने में, और किचन यानी जहाँ किचकिच होती है। एग्जैक्टली मुझे ये बात मेरे दिल को इतनी छू गई कि मुझे हुआ कि अब मुझे ये कले किचन एग्जैक्टली क्या है, मुझे पूरा ये पूरी सीरीज़ मुझे देखनी ही है। फिर इसके थर्ड एपिसोड में मैंने देखा जहाँ पे हमें पूछा गया था कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़ इन द किचन, व्हाट यू फील कि यू शुड हैव इन योर किचन, आप कहाँ कहाँ सोचते कि हमें कहाँ वी आर लैकिंग। तो जैसे आई हैव माई डॉटर, शी डोंट एट ऑल लाइक टू कुक, बट स्टिल एज इन लुकिंग एट द जनरेशन हॉबीज एंड ऑल, वो कभी कभी डेजर्ट के हिसाब से आ जाती है किचन में बनाने के लिए। वो आई, 5 मिनट बिताए नहीं किचन में कि इमिडिएटली शी गॉट एग्जॉस्टेड, और तुरंत ही वो इधर उधर स्पेस ढूंढने लगी कि मैं कहाँ पर रिलैक्स हूँ। और फिर उसको बाहर निकलने में भी वो हो रहा था कि मैं बाहर जाऊँगी, ऑल द वे लिविंग रूम में जाके बैठूँगी, तो वो किचन में ही नीचे बैठ गई। सेम मेरे साथ होता है, मुझे प्यास लगती है तो मैं कई बार सोचती हूँ, मुझे पता भी है कि पानी सही तरीके से कैसे पिया जाता है, खड़े होके नहीं पीना चाहिए, हमारे बड़े बोलते बैठ के ही पीना चाहिए, अगर आप खड़े होके पीते तो आपको काफ़ी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, जैसे नीज़ में प्रॉब्लम होती है, दिस एंड दैट, लाइक यू हैव मैनी, उसके पीछे भी काफ़ी रीजंस होते हैं। तो जो चीज़ जैसे कर जाते हो वैसे करनी चाहिए हमें, और आपको पता है फिर भी आप रॉन्ग वे में लेके जाते हैं। तो तब मुझे भी एक बार होता है यार बाहर जाके कौन पानी पिएगा, इससे अच्छा एक बार वो आलस आ जाता है और खड़े खड़े ही हम वो पानी पी लेते हैं। तो मुझे ये चीज़ के लिए मुझे लगता है कि किचन में एक प्रॉपर हमें एक कॉर्नर होना चाहिए, एक सिटिंग कॉर्नर, भले एक चेयर ही क्यों ना हो, ये किचन में वो स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे हम हमारी थकान भले 5 मिनट के लिए भी हम उतार सकें। तो एक कले किचन का एक मैं जैसे मैंने वर्ड सुना और देखा कि समथिंग दिस इज़ न्यू इन टाउन, तो आई रियली लाइक इट टू नो मोर अबाउट इट। और मैं सबको ये बोलूँगी फॉर टुडेज़ जनरेशन, फॉर हाउस वाइफ, फॉर द प्रोफेशनल वंस, फॉर द टीन एजर्स, फॉर द यंगस्टर्स, फॉर ईच एंड एवरी फीमेल कि आप ये सीरीज़ पूरी देखिए, इट्स रियली वर्थ इट। आपको काफ़ी कुछ जानना मिलेगा, आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन मिलेगा,
सो गाइज जस्ट आई विल रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो विथ ऑल द 12 एपिसोड्स एंड दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड इसमें आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो और उसके आपको आंसर्स भी आपके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द एग्जॉटिक वेब फॉर लॉन्चिंग दिस कलर किचन सीरीज. थैंक यू. और देखा होगा आपने फीडबैक जो हमारे दर्शक ने दिया, और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, हर एपिसोड में हम दिखाएंगे आपको लोगों के फीडबैक क्या है. और आज का जो एपिसोड है, एपिसोड 5, हम भी यहाँ पे फिनिश करते हैं. हमारे जो सपोर्टर है कोर किचन, जो हमारे सपोर्टर थे, हमारे वेन्यू पार्टनर जो थे कासा किचन, उनके भी हम आभारी हैं. और प्रीति जी, ऐसे ही हम दूसरे एपिसोड में वापस मिलेंगे. तब तक के लिए क्या हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी आप? तब तक आप अपने फीडबैक देंगे तो फिर हम लोग कोई सॉल्यूशन अच्छा सा निकाल सके कि दिस इज योर प्लेटफॉर्म. जब तक अपन अपने फीडबैक्स यंगस्टर्स को मैं बोल रही हूँ, आगे आइए, डिजाइनर्स को बोल रही हूँ डिजाइन कीजिए, ये सब लोग अपन मिलके करेंगे. ये मिलके करने वाला काम है, ये अकेले के बस की बात नहीं है, मेरे बस की भी बात नहीं है, इनके बस की भी बात नहीं है. ये हम खाली है ना एक छोटा सा सजेशन लाए हैं सबके लिए. तो आप प्लीज कम फॉरवर्ड विथ अस टू डू अ गुड थिंग फॉर अ इंडियन. एक अपने अच्छे जनरेशन बनाए, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ बनाए, हेल्दी हेल्दी किचन, हेल्दी फूड खाएं और हेल्दी रहें. सो दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट. सो लेट अस डिजाइन फॉर दैट थिंग. गिव योर प्रॉब्लम्स कि कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है. जी, थैंक यू. आप भी अगर कुछ भी किचन रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं हमें, तो ज़रूर हमें हमारे जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, उसमें ज़रूर आपके कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपना प्रश्न जो भी है वो पूछ सकते हैं. तो एपिसोड के अंदर हम आपके प्रश्नों का भी जवाब यहाँ से दिया जाएगा. आपकी जो भी परेशानी है उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. तो कलई किचन सीरीज़ एपिसोड 5, कलई से कल्याण तक, ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.